हेलो एवरीवन, चलिए देखिए कल की टॉपिक जो छूटी थी आईयूपीएससी नामकरण, जो आपके यौगिक थे उसका नामकरण लिखना था आईयूपीएससी, वही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला नंबर हेडिंग डाल लीजिए, क्या आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन या आपका एल्केन। पहला क्या होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं आप एल्केन, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं आप, इसको एल्केन कहते हैं, या फिर आप इसी को क्या कहते हैं आप पैराफिन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं पैराफिन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम कर देखते, देखिए इसको बता दे कल। तो इसका देखिए सिंपल आपका जनरल सामान्य सूत्र क्या होता है, CN आपका H2N प्लस आपका 2 होता है, ठीक है। अब देखिए इधर मैं शब्द मूल लिख दिया हूँ, जो आपके क्या रहते हैं कार्बन परमाणु की संख्या, अगर एक है तो मेथ रहता है, दो है तो एथ है, तीन है तो प्रोप, चार है ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स होता है, और ये तो आप जानते हैं पहला। हाँ ये देखिए पुरलंग की स्थिति लगाते, फिर पुरोलंग, फिर मोल शब्द, फिर प्राथमिक अवलग्न। आप प्राथमिक अवलग्न में क्या रहता है सिंगल डबल और ट्रिपल आबंध, सिंगल के लिए एन लगाते थे, डबल के लिए क्या लगाते थे आप इन, और ट्रिपल आबंध उपस्थित है तो आयन लगाते थे, और द्वितीय अनुलग्न में जो आपका क्रियात्मक समूह रहते थे उसको आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, अगर आपको ये दे दिया गया CH4, ये कार्बन है, ठीक है ना, इसमें कम, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा साधारण और IUPAC नाम। देखिए इसका साधारण नाम एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, पुरोलंग तो लगा नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका इसका मेथ हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या जोड़ेंगे, सिंगल आबंध है तो क्या जोड़ देंगे, मेथ प्लस एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC, और साधारण नाम दोनों इसका सेम ही है, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर दो कार्बन दिया हो तो, अगर देखिए क्या है आपका दो कार्बन उपस्थित है और ये हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, दो कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होगा आपका एथ हो जाएगा, एथ प्लस क्या जोड़ देंगे, सभी सिंगल आबंध से जुड़े हैं तो आपका प्राथमिक अनुलग्न क्या लग जाएगा एथ प्लस एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एथेन, ठीक है, क्या हो जाएगा एथेन, ठीक है। यही देखिए आपका है यहाँ पे क्या लगाते हैं, अगर सिंगल है तो क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, ठीक है, अगर डबल आबंध है तो क्या जोड़ेंगे इन जोड़ देंगे, अगर ट्रिपल आबंध उपस्थित है तो क्या लगाएंगे आप आइन, ठीक है, कल ये नोट कराए थे, ठीक है। तो ये समझ गए ये क्या हो जाएगा, अगर एक कार्बन तो मेथेन हो जाएगा, दो है तो क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर देखिए अगर क्या हो आपके तीन कार्बन उपस्थित हो तो, अगर देखिए क्या हो आपके तीन कार्बन उपस्थित हो और सभी क्या लगी हो अन्य हाइड्रोजन लगी हो तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मूल शब्द में आपका प्रोप हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे प्रोप, प्राथमिक अनुलग्न में क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रो पेन हो जाएगा। वैसे ही अगर फोर कार्बन है तो C4 सूत्र पे रखिए, C4 ये N क्या है कार्बन परमाणु की संख्या है, H क्या हो जाएगा C4H, ये 4 × 2 = 8 प्लस 2 = 10 C4H10, तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा आपका C4 के लिए कार्बन की संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, और सभी सिंगल आबंध से जुड़े रहेंगे तो क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका सामान्य और IUPAC नाम दोनों एक ही होगा, ठीक है, ये समझ गए ना। तो ऐसे ही आप इसका नाम लिख लेंगे जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन रहेंगे। अब चलिए दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए, आपका जो क्या होते हैं इसके बाद एल्कीन का बताए थे ना, हाँ अब इसका हेडिंग डाल लीजिए एल्कीन। एल्कीन को देखिए क्या कहते हैं ओलिफिन, या फिर आप एल्कीन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ओलिफिन या आपका क्या होते हैं आपका ये एल्कीन, ठीक है ना। देखिए एल्कीन कैसे बना, एल के धन इन, तो आपका क्या बन गया है एल्कीन। देखिए ये क्या होते हैं ओलिफिन या एल्कीन, इसका देखिए सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। देखिए एल्कीन कैसे बनता है आपका, एल्क प्लस क्या होता है एल्क प्लस क्या जोड़ देते हैं इसी में इन जोड़ देते हैं, इन मतलब क्या होता है एक डबल आबंध, तो क्या बन जाता है एल्कीन। एल का मतलब जो आपके एल्किल समूह होते हैं, जो आपके एल्केन है, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो आपका क्या बनता है एल्किल समूह बन जाता है, उसको भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका एल्कीन दिया गया है, ठीक है, एल्कीन या ओलिफिन का पहले देखिए इसका सूत्र, यहाँ पे अगर एक, यहाँ पे देखिए एक तो एक में डबल आबंध नहीं होंगे तो आपको कितना चाहिए दो कार्बन चाहिए,
और दोनों हाइड्रोजन इसमें लगा दीजिए, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा। सबसे पहले इसका देखिए साधारण नाम, ठीक है, इसका देखिए साधारण नाम आपका ये क्या हो जाएगा, अगर दो कार्बन है तो इसको लिए क्या कहेंगे आप, एथाइलीन, ठीक है ना, ओलिफिन है ना, तो देखिए इसी के नाम पे क्या बना है, एथाइलीन। लेकिन आपका IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC का देखिए दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, ठीक है, डबल आबंध है तो क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है, एथ प्लस इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एथीन। वैसे ही अगर आपका तीन कार्बन रहे, यहाँ पे दे लीजिए ये क्या कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, कम से कम आपका जो एक कार्बन है ये चार अन्य आबंधों से जुड़ा रहेगा, तो ये आपके चार चार ये हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, एक दो तीन चार ये जुड़ा है, ठीक है, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पहले सामान्य नाम देखिए क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका है तीन कार्बन के लिए, देखिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीलीन हो जाएगा, ठीक है, सामान्य नाम देखिए इसी के आधार पर है, प्रोपीलीन, ओलिफिन है ना, इसी के आधार पर है, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपीलीन ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोपीलीन, ठीक है। और IUPAC नाम इसका देखिए क्या हो जाएगा, IUPAC नाम तीन कार्बन के लिए देखिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, तो प्रोप प्लस क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, क्या कहें कि प्राथमिक अनुलग्न में क्या है आपका एक डबल आबंध, तो क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ा करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि अगर डबल आबंध की जो ये डबल आबंध ये बीच में आता है तो, ठीक है, डबल आबंध अगर आपका क्या है बीच में आता है तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, ये आपका ये हो गया, ये भी कार्बन है, यहाँ पे देखिए डबल आबंध है तो, ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका देखिए IUPAC नाम लिखना है आपको। सबसे पहले देखते हैं पूर्वलग्न कोई नहीं लगा है, ठीक है, और मूल शब्द कितने हैं, देखिए एक दो तीन चार, मतलब कार्बन की संख्या कितनी, चार, चार के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, तो आपने क्या लिख दिया, ब्यूट, IUPAC नाम में, ठीक है, ब्यूट हो गया। प्राथमिक अनुलग्न लगाइए, कितने नंबर पे है, अंकन कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 है, दो नंबर पे आपका इन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट है, हाइफन 2 नंबर पे क्या आपका लगा है, इन, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं आगे वाला, तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए आपका, जो यौगिक है आपका एसीटिलीन या एल्काइन, ठीक है, तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए क्या है आपका, एसीटिलीन, एसीटिलीन, एसीटिलीन या आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन, एसीटिलीन या आपका एल काइन, देखिए एल के धन क्या जोड़ते हैं, इसमें आयन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्काइन हो जाएगा, जैसे ये आपका एल है प्लस क्या जोड़ देंगे, इसी में आयन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्काइन, मतलब कि आपका ट्रिपल आबंध एक इसमें उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सामान्य सूत्र जो होता है एसिटिलीन या एल्काइन का, CnH2n-2 ये होता है, ठीक है। तो अगर देखते हैं सबसे पहले आपका ये सी डबल आबंध, ये ट्रिपल आबंध, सॉरी, इसमें क्या रहेगा आपका, ट्रिपल आबंध एक रहेंगे, तो एक हाइड्रोजन ये हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन ये हो जाएगी। तो देखिए अब इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए साधारण नाम देखते हैं, तो साधारण नाम में देखिए क्या है, एसिट है, दूसरा नंबर एथ है, तो यहाँ पे क्या लिखे, एसिटिलीन लिखे है ना, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा, जो ये आपका है C2H2, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटिलीन, ये क्या है, एसीटिलीन, ये क्या है आपका, एसीटिलीन है, लेकिन IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, IUPAC, देखिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा, दो कार्बन के लिए क्या जोड़ेंगे आपका, एथ हो जाएगा, ठीक है, दो कार्बन के लिए एथ हो जाएगा, और क्या लिखेंगे इसमें, प्लस ट्रिपल आबंध है तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, आयन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आयन, एथ प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा इसका, एथाइन
ये हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2, यही है आपका, क्या है आपका, एसिटिलीन या इथाइन, ठीक है। अब दूसरा चलिए देखिए बताते हैं इसके बाद, अगर आपके तीन कार्बन परमाणु रहते हैं तो, अगर देखिए तीन कार्बन ले लीजिए, मतलब कि ये है C3, ठीक है, ये कार्बन परमाणु की संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा एच, थ्री टू ऊर्जा क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, तो यहाँ पे देखिए यन ये क्या कार्बन की संख्या है, ठीक है, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा C3H क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अब इसकी संरचना देखिए ऐसे बनेगी, ये C है, एक आपका ट्रिपल आबंध हो जाएगा, फिर एक सिंगल आबंध, इस पे देखिए कितनी हाइड्रोजन लगी है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इस पे लगी है, ठीक है, ये तो पूरा है, कहें कि 1 2 3 4 आबंध से जुड़ा है, ठीक है। तो अब इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं सामान्य या साधारण नाम, देखिए सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपीलीन हो जाएगा, लेकिन आपका आईयूपीएसी नाम देखिए, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन के लिए देखिए क्या लिखेंगे, मूल शब्द आपका प्रोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, प्लस इसमें जो आयन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपा इन, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग और भी लिख लेंगे, ठीक है, इसके समूह का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, अब देखिए यहाँ से ये तो आप लोग को कल ही बताए थे, अब देखिए यहाँ से क्या देखते हैं अल्कोहल का, ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। देखिए चौथा नंबर ये डाल लीजिएगा हेडिंग अल्कोहल, अल्कोहल, या इसको देखिए क्या कहते हैं, या आप एल्केनान कहते हैं, एल्केनान, ठीक है, अल्कोहल या आपका एल्केनान। अब देखिए अल्कोहल में क्या रहता है आपका OH समूह, ये जो OH समूह नहीं रहता है ये आपके उपस्थित रहता है, जो आपके कार्बनिक यौगिक रहेंगे उसमें कौन समूह रहेगा, OH समूह उपस्थित रहेगा, तो समझ जाएंगे ये अल्कोहल या एल्केनाल समूह का है, ठीक है। तो अगर देखिए आपका एक कार्बन दे दिया जाए, इसका देखिए हाँ सामान्य सूत्र लिख लेंगे, इसका देखिए क्या होता है, सामान्य CnH2n+1, ये आपका क्या हो जाएगा OH, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए CH3 आपको OH दे दिया जाए, तो इसका देखिए सामान्य नाम और IUPAC नाम बताएं, तो पहले इसको बना लीजिए, देखिए ये कार्बन है, इस पे लगी क्या है 3 हाइड्रोजन है, ये होगी और एक OH समूह आपका लगा है। सबसे पहले देखेंगे सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम देखिए क्या हो जाएगा, इसको अल्कोहल के रूप में लिखेंगे, तो एक कार्बन के लिए ये आपका क्या है मेथिल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, क्या हो जाएगा मेथिल, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे अल्कोहल, अल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम। लेकिन IUPAC क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम में क्या लिखेंगे, ये क्या है आपका मूल शब्द में एक कार्बन, तो एक क्या लिखेंगे मेथ है, प्लस से क्या प्राथमिक यौगिक लगाएंगे मेथ, प्लस क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे मेथ प्लस एन प्लस, देखिए द्वितीयक अणु लग रहे हैं, ये क्रियात्मक समूह है, समझ रहे ना। अब इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, आल जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे, ठीक है। तो IUPAC में अगर ये समूह रहता तो उसके लिए क्या जोड़ देते हैं, आल जोड़ देते हैं आपके द्वितीयक अणु लग में, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम मेथे, क्या हो जाएगा मेथे नाल, क्या हो जाएगा IUPAC नाम मेथे नाल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है, इसको मिटा दें, समझ गए। अच्छा अब चलिए दूसरा देखते हैं, इसके बाद दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये अगर आपको दे दिया जाए CH3, अच्छा हाँ मैं एल्किल समूह नहीं बता ना, एल्किल, देखिए अगर एल्केन समझ रहे हैं ना, एल्केन, एल्केन वाला समझ रहे, ये देखिए CH4 है, तो ये क्या आपका मेथेन है, क्या है आपका मेथेन है, C2H6 है, ये क्या है एथेन है, ठीक है। अगर C3H8 है तो ये आपका क्या है प्रोपेन है, ठीक है। अगर इसी से एक एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, जैसे कह दिया जाए CH3, तो ये आपका समूह कौन सा बन जाएगा, आपका मेथिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेथिल समूह बन जाएगा। अगर इसमें से भी आपका एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो C2H5 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एथिल समूह हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या है आपका C3 है, C3H7 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा प्रोपिल समूह हो जाएगा, प्रो
एल्किल समूह, ठीक है। तो अगर ये आप समझ गए ये क्या एल्किल समूह है, ये क्या है आपका एल्किल समूह है, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो आपका क्या बनता है, एल्किल समूह बनता है। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल बता रहे हैं इसी का। यहाँ पे अगर दे दिया जाए आपको CH3CH2OH ये दे दिया जाए तो ये इसकी पहले संरचना बना लीजिए। देखिए आपका ये कार्बन है, इस पर कितनी हाइड्रोजन लगी है, तीन हाइड्रोजन लगी है, तीन हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन इस पर कितनी, दो हाइड्रोजन लगी है, और एक आपका OH समूह है। OH क्या, आपका ये क्रियात्मक समूह है। तो पहले अच्छा IUPAC ही नाम लिख लेते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं इसका। देखिए दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, आपका ये मूल शब्द है क्या है, प्रोप है। तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोप हो जाएगा प्लस प्राथमिक अवलग्न, सभी सिंगल आबंध है तो क्या लिखेंगे, प्रोप प्लस एन, ठीक है। सिंगल आबंध है तो क्या लिखेंगे, प्रोप प्लस एन हो जाएगा ना। प्लस आपका देखिए द्वितीयक अवलग्न में क्या है, आल है, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपे नाल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। सामान्य नाम अल्कोहल के रूप में लिखते हैं। अब देखिए यही मैं बताया था अभी आपको, देखिए C2H5 है तो ये कौन सा समूह है, एथिल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एथिल अल्कोहल ये इसका नाम हो जाएगा, ये समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। पाँचवा नंबर लिखिएगा एल्डिहाइड, ठीक है। हाँ पांचवा नंबर देखिए क्या है आपका, एल्डिहाइड या एल्केनर, एल्डिहाइड या आपका एल्केनल, एल्डिहाइड या एल्केनल। अब देखिए एल्डिहाइड में कौन समूह रहता है, आपका CHO समूह रहता है। द्वितीयक अनुलग्न में, द्वितीयक अनुलग्न में इसके लिए क्या लिखते हैं आप, अल जोड़ देते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप, अल ये जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए पहला आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, ये दे दिया जाए सी है, ये डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, ठीक है। अब देखिए इसका पहले IUPAC नाम जानेंगे, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, सभी सिंगल आबंध है इसमें कार्बन कार्बन, तो क्या लिखेंगे, मेथ प्लस क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या लास्ट में जोड़ देंगे, CHO समूह है तो क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनल, क्या हो जाएगा, मेथेनल, ये इसका IUPAC। लेकिन सामान्य नाम इसको देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका सामान्य नाम जो होता है इसका होता है फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसको अभी हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड इसका ये नाम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यही दो दे दिया जाता है, ये आपका क्या दे दिया जाए, CH3 आपका ये CHO, ठीक है, CH3CHO। तो इसका देखिए आपका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, ठीक है। दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, एथ हो जाएगा, ये होगा एथ। प्लस क्या जोड़ेंगे, सभी सिंगल आबंध है, एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, एथे ने। प्लस लास्ट में क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे, एथेनल ये हो जाएगा, ठीक है। एथ प्लस एन प्लस अल तो क्या हो जाएगा, एथेनल। लेकिन सामान्य नाम इसका देखिए क्या हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड, टैल्डिहाइड इसका ये आपका सामान्य नाम होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए और आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे जो आगे वाले समूह हैं, आगे वाले जो कार्बन की श्रृंखला रहेगी C3, C4, C5 के लिए, ठीक है, सेम यही रहेगा रूल। अब चलिए आगे, अब कितना पढ़ चुके, पांच नंबर पढ़ चुके, अब लिख लीजिए छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या पढ़ते हैं, कीटोन या एल्केनान, जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। कीटोन या इसको क्या कहते हैं आप, एल्केनान कहते हैं, एल्केनॉन,
सॉरी इसको क्या कहते हैं, कीटोन या एल्केनोन। इसमें देखिए क्या रहता है आपका, कार्बन से एक डबल आबंध पे ऑक्सीजन लगी हुई रहती है, और ये दोनों समूह कहाँ पे जुड़े रहते हैं, कार्बन से जुड़े रहते हैं। ये क्या है आपका, कीटोन का समूह। अब देखिए इसके लिए क्या जोड़ते हैं आप, ओन जोड़ते हैं लास्ट में, क्या जोड़ देते हैं, ओन। ठीक है, लास्ट में आपके द्वितीय अलिंग में क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ देते हैं। अब इसका देखिए कीटोन का पहला आपका जो समूह है वो क्या है आपका, इसमें ये रहने चाहिए आपका पहला समूह, ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा इस साइड भी सी रहेगा, इस साइड भी सी, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगी, ये भी हाइड्रोजन, ये भी। तो इसका देखिए पहला क्या नाम रहेगा, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, तीन कार्बन, तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम ये है, आईयूपीएसी का ये सब ट्रिक है, ठीक है ना। आईयूपीएसी में तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। सभी सिंगल आबंध है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। प्लस लास्ट में देखिए क्या है, द्वितीयक अनुलग्न अनुलग्न है, लेकिन या फिर आप इसके लिए देखिए आप लिख सकते हैं पहले के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन प्लस क्या लिख देंगे, ओन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आप, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, लेकिन सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका है एसीटोन। सामान्य नाम क्या है, एसीटोन, इसका सामान्य नाम क्या है, एसीटोन है ये, ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब चलिए दूसरा लेते हैं, सेम दूसरे कार्बन की श्रृंखला लेते हैं, इसके अगला वाला अगर ले लीजिए आप एग्जांपल, हाँ ये हो गया आपका CH3, आपका ये CH2, C डबल बॉन्ड, आपका ये हो जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये समूह है, मतलब कि आपका क्या है, कीटोन समूह का, ठीक है, कीटोन परिवार का है। तो अब देखिए कितने कार्बन है, सबसे पहले मूल शब्द, एक दो तीन चार, चार है, तो एक दो तीन चार, कार्बन की संख्या चार है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम में क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। प्लस सभी सिंगल आबंध है तो क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। प्लस अब देखिए ब्यूटे, ब्यूट प्लस एन, अब देखिए ये दो नंबर पे, तो ये भी आप कहीं कहीं पे अगर बढ़ा दिया रहेगा तो आपको ये इसकी स्थिति आपको बतानी रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस आपका देखिए दो नंबर है तो क्या लिखेंगे, टू, फिर क्या लिखेंगे आपका, क्या है, ओन लिख देंगे, यहाँ पे ये जोड़ देंगे, ठीक है ना। या फिर देखिए आपका हो जाएगा ब्यू, ब्यूटेन टू, क्या हो जाएगा आपका, ओन, ठीक है, ये समझ रहे हैं। देखिए क्या है, ब्यूटेन टू ओन, या फिर आप इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो दो यहाँ पे लिखे हैं, दो क्या लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, टू आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटे नॉन, सॉरी टू ब्यूटे नॉन, ये जो टू आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, पोलाइन की स्थित पहले लगा सकते हैं, तो टू नंबर पे क्या है, ब्यूटे नॉन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, और इसी में देखिए एक बता रहे हैं हम, यहाँ पे इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दे दिया जाए, अगर मैं यहाँ पे भी आपका लगा दूं, तो इस वाले कार्बन पे भी डबल आबंध डबल बॉन्ड यहाँ पे ये लगा दूं, तो अब देखिए ये भी कीटोन का समूह, ये भी कीटोन का समूह, तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन प्लस क्या हो जाएगा, टू कॉमा थ्री, क्या हो जाएगा, टू थ्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई, क्या लिख देंगे, डाई ऑन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ब्यूटेन टू कॉमा थ्री, ये क्या हो जाएगा, डाई ऑन, ठीक है। इसका क्या आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, ब्यूटेन टू थ्री डाई ऑन, ये नाम हो जाएगा, और आगे आप लोग लगा लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। लास्ट में ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे। अब चलिए आगे, कितना, सातवां नंबर, सातवां नंबर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सातवां नंबर लिखिएगा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या आप लिख देंगे एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल, ठीक है। अब देखिए इसका क्या सूत्र रहता है, इसका देखिए COOS, जिस समूह में आपका COOS लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये कौन से समूह का परिवार है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार का है, ठीक है, ये जो आपका यौगिक रहेगा COOH। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं, द्वितीयक अनुलग्न में इसमें जोड़ते हैं ओइक अम्ल,
क्या जोड़ देते हैं, ओइक अम्ल, यही नाम जोड़ देते हैं ओइक अम्ल लास्ट में। जैसे आपका एक एग्जांपल देते हैं, पहले अगर देख लीजिए ये सी है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये ओ एच, ये ऐसे लगा रहेगा और यहाँ पे कोई समूह जुड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे एच जुड़ा है तो इसका आई यू पी ए सी नाम क्या हो जाएगा, आई यू पी ए सी नाम। एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ है, प्लस क्या हो जाएगा प्राथमिक अलग सिंगल आबन है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है, प्लस क्या और लिखेंगे लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ देंगे, ठीक है ना, क्या जोड़ देंगे ओइक अम्ल, तो क्या नाम हो जाएगा मेथेनोइक, क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन सामान्य नाम देखिए क्या हो जाएगा, सामान्य नाम एक कार्बन के लिए इसको याद करना पड़ेगा, सामान्य नाम इसका क्या है फार्मिक अम्ल, देखिए क्या है इसका सामान्य नाम फार्मिक अम्ल, जो कि क्या होती है लाल चींटियों में पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए दूसरा एग्जांपल अगर आपको कह दिया जाए CH3COOH, ठीक है CH3COOH, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे हाइड्रोजन लगा दिए, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ये बन गया, तो इसका IUPAC नाम दो कार्बन के लिए लिखेंगे एथ लिखेंगे, ठीक है, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे एथ, प्लस क्या लिखेंगे सिंगल आबंध है तो एन लिखेंगे, प्लस क्या है ओइक अम्ल लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है ना, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। सामान्य नाम देखिए क्या हो जाएगा इसका, सामान्य नाम क्या हो जाएगा दो है, इसको देखिए आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एसीटिक अम्ल, क्या हो जाएगा आपका एसीटिक अम्ल, इसका ये क्या रहेगा सामान्य नाम रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए और देखिए जो समूह रहेगा इसको आप लोग नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखिएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको ये दे दिया जाए देखिए CH3CH2COOH, अब इसमें देखिए कितने कार्बन, एक दो तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोप लिखेंगे, ठीक है ना, प्रोप सिंगल आबंध है तो एन लिखेंगे, लास्ट में क्या जोड़ देंगे ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, तो कुछ का आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आठवें नंबर पे क्या है एसिड क्लोराइड, ठीक है, देखिए आपको ज़्यादातर यहीं से पूछेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो आपका क्या है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहीं तक का ही आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब ये सब थोड़ा डब पड़ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है आठवां नंबर क्या है आपका एसिड क्लोराइड, ये क्या है एसिड क्लोराइड या एल्केनाइल क्लोराइड या एल्केनाइल क्लोराइड, देखिए एसिड क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड का देखिए जनरल सूत्र होगा यही आपका RC डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये R क्या रहेगा कोई भी आपका एल्किल समूह रहेगा, ठीक है, यही आपका देखिए जनरल सूत्र होता है। अब देखिए इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं, द्वितीयक अनुलग्न में क्या जोड़ देते हैं आइल क्लोराइड, जो लास्ट में ये नहीं लिखे आप आइल क्लोराइड आप इसके लास्ट में जोड़ देते क्लोराइड, ठीक है, आपका जो द्वितीयक अनुलग्न है इसमें क्या जोड़ देंगे आप आइल क्लोराइड ये जोड़ देंगे। तो जैसे एग्जांपल दे दिया जाए अगर ये आपका एल्किल समूह ये है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ये है, तो इसका सबसे पहले देखते हैं IUPAC नाम, देखिए क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम है, कितने कार्बन है एक कार्बन है दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे एथ है, ठीक है क्या लिखेंगे एथ है, प्लस क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, तो इसको एक ही लिख दे रहे हैं एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा एथे लास्ट में क्या जोड़ देंगे आइल क्लोराइड एथ प्लस एन, चलिए पूरा ही लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा एथ हो जाएगा दो कार्बन के लिए, प्लस क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, प्लस लास्ट में क्या जोड़ देंगे आइल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा एथे ना, क्या हो जाएगा एथेनाइल
इसका IUPAC नाम हो जाएगा, एथेनाइल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन आपका सामान्य नाम देखिए क्या हो जाएगा, यही इसका सामान्य नाम हो जाएगा एसीटिल क्लोराइड, क्या होगा एसीटिल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा एसीटिल क्लोराइड, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना एसीटिल क्लोराइड। अब देखिए अगर यही आपका समूह क्या बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ा दीजिए CH3, यहाँ पे CH2, आपका ये C डबल बॉन्ड O आपका Cl, तो इसका देखिए IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हाँ इसका IUPAC नाम पहले बताइए देखिए क्या हो जाएगा, तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड, ठीक है प्रोप हो जाएगा प्लस N जोड़ेंगे प्रोपे, प्लस क्या जोड़ देंगे आयल क्लोराइड, प्रोपेनाइल क्लोराइड, क्लोराइड ये इसका IUPAC नाम रहेगा। सामान्य नाम देखिए क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम देखिए एसीटिल क्लोराइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपीआनिल क्लोराइड, तो इसका ये सामान्य नाम क्या हो जाएगा प्रोपीआनिल क्लोराइड, क्लोराइड ये इसका क्या रहेगा सामान्य नाम रहेगा, और जो रहेंगे आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप देखिए आगे वाला हेडिंग डाल लीजिए, ये क्या एल्किल क्लोराइड, अब आगे हेडिंग डाल लीजिए आपका नौ नंबर एमाइड, सॉरी आपका नौ नंबर हेडिंग डालिएगा एमाइड, ठीक है ना। अब इसको देखिए जल्दी बताएंगे, कहेंगे आपको आगे पढ़ना ही है, नौ नंबर देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, अगर क्या है आपका एमाइड है, ठीक है ना एसिड एमाइड, एमाइड देखिए ये क्या है आपका एसिड एमाइड, या आप इसको क्या लिख सकते हैं एल्केनेमाइड, 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 ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका सूत्र रहेगा RC डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है इसका जनरल सूत्र है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये आपको दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या दे दिया जाए NH2, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा लास्ट में, इसमें देखिए एमाइड जोड़ देते हैं, IUPAC नाम में क्या जोड़ देते हैं एमाइड, ये आप जोड़ देंगे, तो यहाँ पे दो कार्बन के लिए देखिए क्या हो जाएगा एथ हो जाएगा, एन हो जाएगा, एथेनामाइड हो जाएगा, इसका IUPAC नाम देखिए लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथेनामाइड, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा एथेनामाइड। लेकिन अगर आपको यही दे दिया जाए यस सी डबल बॉन्ड ओ यानी यस टू दिया है, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथ प्लस एन हो जाएगा, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे एमाइड जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मेथेनेमाइड, ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो सामान्य नाम रहेगा तो एक के लिए क्या होता है फार्म लिखते, तो क्या हो जाएगा फार्मामाइड ये हो जाएगा, ठीक है फार्मामाइड हो जाएगा, इसके लिए दो कार्बन तो क्या इसके लिए हो जाएगा एसीटामाइड, ये अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है तो आप इतना जान लीजिए। अब देखिए आगे हेडिंग 10 नंबर डाल लीजिए एल्किल एमीन, 10 नंबर क्या है आपका एल्किल एमीन, 10 नंबर ये डालिएगा एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन को या फिर कहते हैं एल्केनामीन, इसका देखिए सिंपल सूत्र है RNH2, ठीक है IUPAC नाम बता रहे हैं, IUPAC नाम में देखिए इसमें लास्ट में क्या जोड़ देते हैं सिंपल आपके एमीन ये शब्द जोड़ दिया जाता है, तो अगर आपको दे दिया जाए CH3 आपका R सॉरी CH3 NH2 दे दिया जाए तो इसका IUPAC नाम देखिए क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा मेथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा मेथेनेमीन हो जाएगा, ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम मेथ हो जाएगा, प्लस क्या जोड़ेंगे एन जोड़ देंगे प्राथमिक लग, प्लस लास्ट में क्या जोड़ देंगे एमीन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मेथेने मीन ये इसका नाम हो जाएगा। वैसे अगर दे दिया जाए CH3 आपका CH2 NH2, यहाँ पे देखिए क्या दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका एथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके लिए एथेने मीन, ठीक है तो क्या जोड़ेंगे दो कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे, लास्ट में क्या जोड़ देंगे एमीन जोड़ देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए आप 11 नंबर हेडिंग डाल लीजिए
आईपीएससी बता रहे हैं, सामान नहीं बता रहे हैं, ठीक है, सामान आपको नहीं पूछेगा। आगे नाइट ट्रायल का देखते हैं, 11 नंबर क्या है आपका, नाइट ट्रायल। देखिए नाइट ट्रायल को देखिए, सिंपली आप क्या नाइट ट्रायल या एलके साइनाइड या फिर आप क्या कह सकते हैं एलके नाइट ट्रायल, इसको आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन द्वारा क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित किया जाता है नाइट ट्रायल का, ठीक है। अब इसके लिए देखिए द्वितीय अनुलग्न क्या लिखते हैं, द्वितीय अनुलग्न इसके लिए देखिए नाइट ट्रायल ही है, क्या है, नाइट ट्रायल, नाइट ट्रायल ही है इसके लिए द्वितीय अनुलग्न क्या है आपका, नाइट ट्रायल ही है। तो देखिए अगर आपको दे दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए क्या दे दिया जाए, अगर यच दे दिया जाए आपको, सॉरी यहाँ पे क्या दे दिया जाए, सी एच थ्री आपको ये सी एन दे दिया जाए, सी एच थ्री सी एन। तो इसका देखिए आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, एथ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एथ प्लस एन लिखेंगे, ये हो गया, प्लस क्या जोड़ देंगे, नाइट ट्रायल जोड़ देंगे, तो एथेन क्या हो जाएगा, एथेन नाइट ट्रायल, नाइट ट्रायल, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन नाइट ट्रायल। लेकिन अब देखिए इसका सामान्य नाम में क्या जोड़ते हैं, साइनाइड जोड़ देते हैं, इतने को क्या कहेंगे, मेथिल, और ये समूह क्या हो जाता है, साइनाइड। ये तो आईयूपीएसी नाम है, ठीक है, लेकिन आप सामान्य नाम जब इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड लिखेंगे। अगर वैसे आपको दे दिया जाए सी एस थ्री सी एस टू सी एन, तो इसका देखिए आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे, तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, ठीक है, प्रोप प्लस क्या जोड़ देंगे आप, यहाँ पे प्रो प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, ये जोड़ नाइट्राइल, ये क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। सामान्य नाम में क्या हो जाएगा, देखिए कितने हैं यहाँ पे, क्या है, मेथ एथ है, तो क्या हो जाएगा, एथेन साइनाइड, सॉरी एथिल साइनाइड, ये इसका सामान्य नाम रहेगा, ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब देखिए आगे 12 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, क्या है आपका एल्का इथर, सॉरी इथर, इथर को क्या कहते हैं आपका, देखिए क्या है ये आपका, ये पूर्व लग्न में लिखते हैं, क्या है आपका, 12 नंबर क्या आपका इथर है, क्या है आपका इथर है, ठीक है, इथर को क्या लिखते हैं, आर ओ आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको देखिए क्या करते हैं, एल्काक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में लिखते हैं, एल्काक्सी एल्केन के रूप में। जैसे आपका देखिए इसके लिए क्या, देखिए लास्ट में जोड़ते हैं पूर्व लग्न, इसको देखिए पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, देखिए ये क्या दे दिया जाए, सी एस थ्री ओ आपका सी एस थ्री, तो यही समूह है ना, तो इसके लिए देखिए एल्काक्सी जोड़ते हैं, ठीक है, इसके लिए आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्काक्सी एल्केन, एल्काक्सी एल्काक्सी एल्केन, ठीक है ना, एल्काक्सी, तो ये एक समूह है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका मेथॉक्सी हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा, चलिए पहले मेथॉक्सी यही बता रहे हैं कहाँ से होगा, देखिए क्या आपका ये सी एस थ्री ओ एच, ठीक है, ये क्या मेथिनल, अगर इसकी एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो सी एस थ्री ओ, तो ये क्या बन जाएगा आपका मेथॉक्सी, ठीक है ना, अगर ये आपका क्या दिया गया है सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, ये क्या है एथेनल, इसकी एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, ये वाली हाइड्रोजन सी एस थ्री आपका सी एस टू ओ, तो ये क्या बन जाएगा एथॉक्सी समूह, ठीक है, तो ऐसे ही आप नाम इसका लिखेंगे इसी में। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ये आपका ये हो गया सी एस थ्री ओ आपका सी एस थ्री, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका मेथॉक्सी लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी मेथेन, इसका क्या नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, अगर यही अगर आपको बड़ा दे दिया जाए सी एस थ्री सी एस टू ओ, अगर ये हो जाएगा सी एस थ्री, ठीक है, तो ये सब देखिए नाम जो है ये सब अभी हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो आपका देखिए इंपॉर्टेंट था कार्बोक्सिलिक अम्ल तक, तो उत्तर देखिए आपने कर लिया, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, इसको क्या लिखेंगे मेथॉक्सी आपका क्या है ये आपका क्या हो जाएगा एथेन, ठीक है, ये दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं एथ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा एथेन ये हो जाएगा। चलिए लास्ट है ये आपका क्या हैलोजन है, हेलो एल्केन, 13 नंबर है, ये हेलो एल्केन को लिख लेंगे, ये भी क्या होते हैं पूर्व लग्न में होते हैं, 13 नंबर क्या हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, आपका एल्केन में कोई भी समूह ये सी एस थ्री, अगर यहाँ पे सी एल है तो पहले हेलो जोड़ेंगे, तो सी एल के लिए क्या लिखते हैं क्लोरो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी क्लोरो, इसके लिए क्या लिखते हैं क्लोरो क्लोरो मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा क्लोरो आपका मेथेन
हो जाएगा, ठीक है। अगर यही आपको दे दिया CH3CH2Br, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, ठीक है। पहले पूरा लंग लगाएंगे तो कितने नंबर पे, वन है, तो ब्रोमो हो जाएगा, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सभी का नामकरण आप लोग कर लेंगे। तो चलिए एक और मैं बता दे रहा हूँ इसका, जैसे आपको दे दिया जाए CH3, ये CH है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी CH3, तो हम कन करेंगे 1, 2, 3, दो नंबर पे क्या Cl, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 2-chloro, प्रतिस्थापी की स्थिति लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-chloro, तीन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, प्राथमिक अलग्न एन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। तो आप लोग सबका नाम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।